ऐसी घटनाएं और ऐसी अनोखी पहेलियां जिनको वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए। उससे पहले ऐसे ही और रोमांचक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल प्लेनेट अर्थ इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 1 जुलाई 1518 एक साधारण सी दिखने वाली औरत ने स्ट्रासबर्ग फ्रांस की एक गली के बीच में रुककर अचानक डांस करना शुरू कर दिया, वो भी लगातार 5 से 6 दिनों तक न रुकने वाला। थोड़े समय में कुछ और औरतें भी शामिल हो गई और उसके बाद लगभग सैकड़ों लोग सड़क पर नाचने लगे, वो भी बिना किसी वजह के। ऐसे में उनमें से अधिकतर की मौत डिहाइड्रेशन और हार्ट अटैक से उसी जगह पर होना शुरू हो गई। लेकिन तब भी ये नजारा रुका नहीं। वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स को ये समझ में नहीं आया कि अचानक लोग नाचने क्यों लग रहे हैं, और ये घटना आज भी पहेली बनी हुई है। उन लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो सड़कों के बीचों बीच अपनी मौत तक न रुकने वाला नाच नाचने लग गए थे। 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण खोज ये हाल फिलहाल में ही खोजी गई 3 उंगलियों वाली मम्मी, जिसे नेजका पेरू में 2018 में खोजा गया। 3 उंगलियों वाली इस मम्मी ने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए, क्योंकि परग्रही या यूं कहें एलियंस के अस्तित्व को न मानने वाले वैज्ञानिक भी अब इस स्केलेटन को देखकर चौंक उठे थे। ये स्केलेटन अभी हमारी समझ से परे है, क्योंकि इसकी PCR और DNA दोनों ही इंसानों से बिल्कुल मेल नहीं खा रहे। क्यों है ना कमाल की बात। दुनिया का 8वां अजूबा ही मानो ये है श्रीलंका की सिगिरिया चट्टान, एक ऐसी चट्टान जिसके ऊपर ऐसी अनोखी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती हैं, जिसे घने जंगल के बीच 660 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया। सबसे कमाल की बात ये कि आदम के जमाने में रहने वाले लोगों ने इतनी ऊंचाई पर यह सब बनाया कैसे, और तो और ये सीढ़ियां भी हाल फिलहाल में ही लगाई गई हैं ताकि लोग ऊपर चढ़ सके। इससे पहले जिसने इस जगह की खोज की थी तब वहां इसके ऊपर चढ़ने का कोई जरिया नहीं था। ऐसे बहुत से कारण हैं जो इस जगह को एक रहस्यमय जगह साबित करते हैं। माइक टाइसन और पीटर मैकनीली की अगस्त 1995 की फाइट। इस फाइट मैच के दौरान वीडियो फुटेज में एक ऐसा शख्स वहां की भीड़ में दिखा जो आज के आधुनिक स्मार्टफोन जैसे डिवाइस हाथ में पकड़े हुए था। कमाल की बात तो ये थी कि एक स्मार्टफोन 1995 के काफी समय बाद इजाद हुआ था, तो फिर ये शख्स स्मार्टफोन लिए कैसे दिखाई दिया उस समय में जब स्मार्टफोन को लोग जानते तक नहीं थे। पोलैंड की एक नदी से कुछ व्हाइट बायोहैजर्ड सूट पहने दिख रहे ये लोग एक अजीबोगरीब क्रिएचर को वहां की नदी से निकालकर बाहर ले जा रहे हैं। ये गुत्थी आज भी हमारी समझ से परे है कि जलपरी जैसी दिखने वाली ये अनोखी क्रिएचर असल में थी क्या। ये जीव ऐसा कौन सा जीव था जिसकी वजह से उन लोगों ने बायोहैजर्ड सूट्स पहन रखे हैं। अगर आपके पास इसका जवाब हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ ही ऐसे ही और नए वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और आपको जिस प्रकार के भी वीडियोस चाहिए उनके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लौटेंगे जल्द ही नए व ऐसे ही रोमांचक वीडियोस के साथ। धन्यवाद।